हेलो एवरीवन वन रेजोमैक्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है हम लोग इकोनॉमी की सीरीज में कई इंपॉर्टेंट सेगमेंट देख चुके हैं शेयर मार्केट्स हो बैंकिंग हो आरबीआई हो आज हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में समझेंगे इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू रहता है आपको आसपास सुनने को मिलता है कि इतनी महंगाई बढ़ गई लेकिन वो महंगाई कैलकुलेट कैसे होती है इकोनॉमिक कंट्रेस्ट में इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करा जाता है क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं मेजरमेंट्स के तरीके क्या क्या होते हैं इन पर सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को मिलते हैं चाहे वो सवाल आपका डब्ल्यू पे हो सी पे हो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो अब हम यहाँ पर इन्फ्लेशन में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको क्लियर कर दूँ इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि आपसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन इन्फ्लेशन को चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का जो कोर है हम पढ़ेंगे क्या उस चीज़ को समझने के लिए इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है और इसके अलावा कैलकुलेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं मेथड्स में एक होंगे इंडेक्स बेस्ड मेथड्स, इंडेक्स बेस्ड मेथड्स और दूसरे अदर मेथड्स, अदर मेथड्स में आपके जीडीपी डिफ्लेटर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स को आप इसमें डाल सकते हैं इंडेक्स बेस्ड मेथड में हम लोग जनरली डब्ल्यू और सीपीआई को कंसिडर करते हैं ठीक है तो इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है इन्फ्लेशन का सीधा सा मीनिंग है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज जो आपके आस पास है कोई भी गुड्स एंड uh, कोई भी गुड्स को पकड़ लो या कोई भी सर्विस को पकड़ लो उसकी प्राइस में चेंजेस होना और यदि प्राइस में चेंजेस पॉजिटिव होते हैं या यूं बोले प्राइस में इफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इज पॉजिटिव यहां पर पॉजिटिव का मीनिंग वो मैथमेटिकल वाला पॉजिटिव से नहीं है यहां पर पॉजिटिव का मतलब है चेंजेस का इस तरीके से हो कि वो प्राइस बढ़ जाए फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप ले लो सर्विस यानी यहां से कोटा से दिल्ली का किराया यदि पहले तीन सौ रुपये था अब वो उस सर्विस का किराया चार सौ रुपये हो जाए तो जो कंडीशन है चेंजेज़ इन प्राइस इज़ पॉजिटिव या बढ़ना चाहिए तो तीन सौ से चार सौ पॉजिटिव चेंज तो है ही सही तो इफ़ प्राइज इंक्रीज जनरली जो जनरल uh, जो प्राइजेस हैं गुड्स और सर्विसेज के वो इंक्रीज होते हैं या पॉजिटिव चेंज होता है तो उसी को इन्फ्लेशन बोला जाता है तो इन्फ्लेशन गुड्स और सर्विसेज के प्राइज में बढ़ना जो है वो आपका इन्फ्लेशन कहलाता है अब फर्दर किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी गुड्स का प्राइस बढ़ सकता है तो किसी दूसरे गुड्स का कम हो सकता है हम हाँ यहाँ पर गुड्स टू गुड्स या गुड्स और सर्विस को किसी एक पर्टिकुलर गुड्स को या किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को या लिमिटेड बास्केट को कंसिडर नहीं करते हमको इन्फ्लेशन ओवरऑल मेजर करना है तो हमको जो बेसिक गुड्स हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आ, कम से कम इतनी गुड्स तो हो ही सही इतनी सर्विसेज को तो हम कंसिडर करें उन सबको मिलाकर हम लोग इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो इन्फ्लेशन चेंजेस इंक्रीज इन द प्राइज ऑफ चेंजेस को यदि यहाँ पर मैं इंक्रीज कर दूँ तो इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ uh, जनरल प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ नॉन एज इन्फ्लेशन अब इसको इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करा जाता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट पर आपने डब्ल्यू पी आई सी पी आई ऐसे कई सारे नाम सुने होंगे डब्लू भी है सीपीआई भी है यहां पर मैंने कैलकुलेशन मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड करा इंडेक्स बेस्ड मेथड और अदर मेथड इंडेक्स बेस्ड मेथड पहले बात करें कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस इंडेक्स बेस्ड मेथड की बात करें तो इंडेक्स बेस्ड मेथड्स इन्फ्लेशन को इंडेक्स के बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है इन्फ्लेशन की बात करें यहां पर बात करो आप कोटा से यदि यह दि दिल्ली का किराया बड़ा तीन सौ रुपए से चार सौ रुपए बड़ा तो यहां पर सबसे पहले आप पूछोगे कि आज यदि चार सौ रुपए है तो आप तीन सौ रुपए कब का कंपेयर कर रहे हो तो कंपेरिजन के लिए आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड चाहिए आपने बेस किसे माना है बेस टाइम किसे माना है तो जब भी कोई कैलकुलेशन आप निकाल रहे हो तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो निकालोगे यहां पर जो भी कैलकुलेशन इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशन होता है वो रेस्पेक्टिव uh, कैलकुलेशन होता है रिलेटिव कैलकुलेशन होता है उसके रेस्पेक्ट में आपको प्राइजेस uh, में कितना चेंजेस हुआ प्राइजेस कितना बढ़े उस चीज को कैलकुलेट करना होता है यानी आपको करंट प्राइजेस के साथ साथ किसी रेस्पेक्टिव बेस ईयर का कि, किसी भी रेस्पेक्ट टू बेस्ट टाइम पीरियड का प्राइजेस भी आपको चाहिए तो यहां पर सबसे पहले क्या जरूरी हो गया कोई ना कोई बेस्ट टाइम होना चाहिए जिससे आप कंपेयर कर रहे हो कि प्राइजेस बड़े हैं बड़े हैं तो कितने बड़े हैं ठीक है अब मैंने कहा था कि इसमें केवल एक गुड का या एक सर्विस का आप अपने पर्टिकुलर आपके लेवल पे कंसिडर कर सकते हो आप बोल सकते हो दिल्ली कोटा से दिल्ली का किराया इतना बड़ा लेकिन वो इंडिकेशन नहीं होता कि ओवरऑल महंगाई बड़ी है ओवरऑल महंगाई बड़ी है कि कम हुई है इसके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम आप गुड्स तो लें तो जब भी कोई इंडेक्स निकालते हैं तो इंडेक्स के लिए इंडेक्स को निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक बास्केट हो उस बास्केट में आप जो भी गुड्स और सर्विसेज हो उनको लें अरे कौन कौन सी गुड्स का सर्विसेज को मिलाकर या गुड्स को या केवल सर्विसेज को या दोनों को मिलाकर आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करोगे भाई कोई एक गुड्स का तो हम कंसिडर कर नहीं रहे हमें तो ओवरऑल निकालनी है कि पूरे कंट्री में महंगाई बढ़ी पूरे कंट्री में महंगाई बढ़ी तो कितनी बढ़ी इन्फ्लेशन बढ़ा उसका यदि इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ उसका एवरेज टाइप निकालना है तो यहां पर क्या होगी एक बास्केट होगी उसमें जो भी इंपोर्टेंट गुड्स होगी जो भी इंपोर्टेंट सर्विसेज होगी कई बार केवल गुड्स भी होती है कई बार केवल सर्विसेज भी होती है तो एक बास्केट होगी जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज होती है हम उनको यहां पर कंसिडर करते हैं अब इंडेक्स निकालने के लिए दूसरी चीज होती है वेटेज बेटेज को आप किसे कंसिडर कर सकते हो आपने कहा गुड्स और सर्विसेज है फॉर एग्जाम्पल आपने निकाला आ, पांच चीजें निकाल ली अब आपने आ, देखा कि गुड्स नंबर वन यहां पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाते गुड्स नंबर वन गुड्स नंबर ए गुड्स बी तीसरे नंबर गुड्स सर्विस ए सर्विस बी सर्विस ए वन सर्विस बी वन अब इसके प्राइजेस जो है वो बीस रुपये बढ़े इसके प्राइजेस जो हैं वो आपके पचास रुपए बढ़े इसके प्राइजेस जो हैं वो सौ रुपए बढ़े इसके प्राइजेज दो सौ रुपये बढ़े इसके प्राइजेस डेढ़ सौ रुपए बढ़े यानी सब अनइक्वल बढ़ रहे हैं और इनका हमें एवरेज निकालना है अब यहाँ पर दो तरीके हैं सबको इक्वल मान लें या सबको अपना अपना वेटेज दे दें तो सबका अपना अपना वेटेज हो जाएगा तो सबको वेटेज यानी फॉर एग्जाम्पल इस पूरा इंडेक्स आपने निकालोगे इन पांच को मिला के इंडेक्स निकालोगे तो जो वेटेज हो जाए इसमें बोल दो कि अकेले फोर्टी परसेंट इसका ट्वेंटी परसेंट इसका दस परसेंट इसका कितना हो गया चालीस बीसाठ और सत्तर पंद्रह परसेंट इसका और पंद्रह परसेंट इसका तो एक तरीका तो था कि सबको इक्वल इक्वल ट्वेंटी 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 परसेंट दे दो एक था कि सबका वेटेज अलग अलग हो ऐसा वेटेज अलग अलग क्यों होता है जो भी गुड्स आप लोगे जो भी सर्विस आप कंसिडर करोगे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते टाइम जरूरी नहीं है कि सभी गुड्स का जो अहमियत है सभी गुड्स की जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल हो जिस गुड्स की जिस गुड्स का रोल जिस गुड्स का रिलीवेंस ज़्यादा होती है उसको वेटेज भी ज़्यादा दिया जाता है तो दूसरी चीज़ क्या जरूरी है इंडेक्स के कैलकुलेशन में वेटेज थर्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए आ, समझ लिए वो है किस किसके कंपेरिजन में आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हो जैसे आप है आप बोलते हो कि हमारे पास पहले हमारे पास पहले के कंपेरिजन में हमारे पास इतना ग्रोथ हमने करी तो आप किसी ना किसी को तो बेस मान रहे हो ना तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बेस ईयर होगा और इंडेक्सेज में हम दो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यू पी एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है लेकिन वो महंगाई को कैलकुलेट नहीं करता हाउस द आई आई पी इज टोटली डिफरेंट विद आई डब्लू आई एंड सी इस चीज को भी हम लोग यहां पर समझेंगे तो बात करें डब्लू पी आई की होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस होलसेल प्राइस का मतलब हो गया होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस आप समझते होंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसे डब्ल्यू भी बोलते हैं और एक हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोग अब मैं दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने इंडेक्स का बेसिक मीनिंग तो आपको पढ़ा दिया ये ये चीजें होगी यदि मैं बात करूं एक तरफ मैं लू डब्ल्यू और एक तरफ में लेता हूं सीपीआई फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो होलसेल प्राइस से जुड़ा हुआ है हाउ मच इंक्रीज इन दी होलसेल प्राइजेस हाउ मच इंक्रीज मच डिक्रीज कितना चेंजेस हुआ होलसेल प्राइजेस में होलसेल प्राइजेज मतलब किसी भी गुड्स का किसी भी गुड्स का उसके मैन्युफैक्चरर के पास या सेलर के पास जो जब वो गुड्स आता है तो वो उसमें यदि चेंज हुआ उसके प्राइस में चेंज हुआ तो कितना गुड हुआ जब यही गुड्स या जो है जब यही चीज़ किसी कंज्यूमर के पास आती है तो कंज्यूमर को जो पहले चीज मिल रही थी उसमें कितना चेंजेज हुआ तो कंज्यूमर सीपीआई मेज़र करता है चेंजेस इन कंज्यूमर प्राइजेस जबकि होल डब्ल्यू मेजर करता है चेंजेस इन होल सेल प्राइजेस डब्ल्यू पी आई अब सर्विस के किसी सर्विस की होलसेल वैल्यू तो होती नहीं है या रिटेल वैल्यू होती अलग अलग नहीं होती फॉर एग्जाम्पल आप कोटा से दिल्ली गए थे थोड़े टाइम पहले तो ऐसा थोड़ी है कि कोटा से दिल्ली होलसेल सेल प्राइज़ अलग कोटा से दिल्ली रिटेल कंज्यूमर प्राइस अलग सर्विस तो कंज्यूमर्स के लिए ही होती है उसका होलसेल या रिटेल से कोई लेना देना नहीं है यही रीज़न है यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि होलसेल प्राइस यदि का यदि सर्विस से कोई लेना देना नहीं है तो डब्ल्यू पी आई केवल केवल गुड्स का निकाला जाता है जबकि कंज्यूमर्स को गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंसिडर करा जाता है दूसरा बात केवल गुड्स कंसिडर होती है केवल इस, इसकी जो बास्केट होगी यहां पर जो बास्केट हमने बनाई थी ना अब देखो यहां पर बास्केट जिसमें गुड्स और सर्विसेज होगी तो इस बास्केट में केवल गुड्स होती है जब डब्लू कैलकुलेट करते हैं जब सी कैलकुलेट करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज दोनों होती है और ये जो टोटल गुड्स हैं वो है सिक्स गुड्स एक बास्केट है बास्केट में छह सौ सन्तानवे गुड्स को कंसिडर करा और फिर उनका ए, उनका वेट उनका अपने अपने वेटेज उनका अलग अलग वेटेज दिया जैसे यहाँ पर देखो यदि गुड्सिक्स नाइनटी सेवन गुड्स है तो इसका मीनिंग क्या हुआ एक बास्केट हमने बनाई सिक्स नाइन्टी से उसमें हुई उसमें उनकी इंपोर्टेंस के हिसाब से उनको वेटेज दिया फिर बाद में उसको बेस ईयर से कंपेयर कर लेंगे अब ये पूरा जो कैलकुलेशन होता है वो कौन करता है ये जो पूरा कैलकुलेशन करता है जो इंडेक्स जो निकालता है इसकी जिम्मेदारी है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कैलकुलेट करता है वो है आपका नेशनल स्टेटिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यहां पर केवल गुड्स कवर होती है वो है 697 नाइन्टी सेवन यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर होती है और वो है 448 फोर्टी एट फोर रूरल एरिया एंड फोर फिफ्ट सिक्सटी फोर एरिया ये अर्बन और रूरल क्या है इसे मैं सी के टाइप्स पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर इसके अलावा बेस ईयर की बात करें तो इसका बेस ईयर है दो हजार पहले यह बेस ईयर दो हज़ार हुआ करता था लेकिन 2017 के बाद से तो बेस ईयर है वो दो हज़ार कर दिया कि इसके लिए जो बेस ईयर है वो है 2012 तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में है इसमें कितने गुड्स हैं इसमें कितना कंसीडर है थोड़ा यहाँ पर सी पी डब्लू पी आई के कंपेरिजन में सी पी आई को ज़्यादा डीप से पढ़ना जरूरी है क्योंकि तो सी पी आई जो है वो पब्लिक से सीधा जुड़ता है यदि बात करें सी पी आई पर और ज़्यादा बात करें तो हमने मोनिट्री पॉलिसी कमेटी की बात करी थी जब मोनिट्री पॉलिसी कमेटी मोनिट्री पॉलिसी को डिजाइन करती है तो उसी हिसाब से डिजाइन करती है कि इन्फ्लेशन टू टू सिक्स परसेंट के बीच में रहे तो यहाँ पर किस किस ये कौन से इन्फ्लेशन की बात करी गई है तो यहाँ पर सी की ही इन्फ्लेशन यूज करी गई है तो यदि सीपीआई की एप्लीकेशन की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करते टाइम उसे इस तरीके से डिजाइन करती है कि ये इन्फ्लेशन टू टू सिक्स परसेंट रहे और वो जो इन्फ्लेशन होती है उसको सीपीआई ही कंसीडर करा जाता है अब सीपीआई के भी कई सारे के टाइप होते टाइप होते हैं यदि सीपीआई की बात करें तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई रूरल लेबर सीपीआई जैसे फोर टाइप्स के चार तरीके के सी होते हैं फोर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फर्स्ट एग्रीकल्चर रूरल लेबर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर लेबर और फोर्थ सीपीआई अर्बन रूरल और कंबाइंड ये जो तीन शुरू के जो तीन डाटा हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लेबर ब्यूरो निकालता है फिर ये लेबर ब्यूरो ये, ये डाटा निकालता है तो फिर यहां पर तो आपने एनएसओ बताया था मौस भी बताया था तो यहां पर कंफ्यूज मत होना ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स का जो एन एस ओ है वो सी पी आई रूरल अर्बन और कंबाइंड निकालता है कि स्पेसिफाई है इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चर लेबर जो कि लेबर ब्यूरो निकालता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर जबकि बात करें सीपीआई अर्बन सीपीआई अर्बन एक हो गया रूरल और इन दोनों का मिला के कंबाइंड सीपीआई निकाला जाता है जो कि ऑल ओवर इंडिया का होता है ये सारा कैलकुलेशन जो होता है वो आपका एन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अर्बन में फोर गुड्स और रूरल एरिया में 448 गुड्स को कंसीडर करा जाता है देखो कंज्यूमर्स का बिहेवियर रूरल एरिया में अलग होता है और अर्बन एरिया में अलग होता है ये बात आपको भी पता है हमको भी पता है सरकार को भी पता है यदि कंज्यूमर्स का बिहेवियर रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अलग अलग होता है तो नो no डाउट उनकी बास्केट में थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा ही सही बोलते ना एक तरीके एक तरीके से आप सबको मेजर नहीं कर सकते गांव के लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर यदि अर्बन लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर से अलग है तो नो no डाउट फिर आपका यदि मेजरमेंट कर रहे हो आप इन्फ्लेशन का तो वो भी अलग ही होना चाहिए तो यही चीज है बात करें सी पी आई कम्बाइंड कैसे निकाला जाता है तो सीपीआई कंबाइंड इज इक्व टू अंडर रूड सीपीआई रूरल इनटू सीपीआई अर्बन तो ये सीपीआई कंबाइंड का एक फॉर्मूला हो गया ठीक है अब यहां पर एक और इंडेक्स का जिक्र होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आई यहां पर नाम से जिक्र हो रहा होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है यहां पर ये चीज आ, आई आई पी, और CPI से किस तरीके से अलग है तो यहां पर मैं बता दूं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन को जबकि आई आई पी कैलकुलेट करता है इंडस्ट्रीज के आउटपुट को इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है यहां पर बात उसके प्राइजेस इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें प्राइजेस के चेंज की बात नहीं करेंगे इंडस्ट्रीज में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है या कम हो रही है जो टोटल आइटम्स इंडस्ट्रीज में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है उस चीज को मेजर करता है और इसको भी जैसे यह इंडेक्स है तो नो डाउट no इंडेक्स का अपना हमने क्या क्या पढ़ा था इंडेक्स के लिए क्या क्या होना चाहिए बेस ईयर होना चाहिए बेस ईयर है इसका दो हजार कोई ना कोई इसको निकालता होगा तो एन इसको निकालता है जो कि अंडर वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का अंडर की बॉडी नेशनल स्टेटिकल ऑफिस अब इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अपनी एक बास्केट है उस बास्केट में जो फोर्टी उसमें अपना अलग 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 इंडस्ट्रीज होगी उन इंडस्ट्रीज का अलग अलग वेटेज होगा याद करो मैंने अभी इंडेक्स में आपको समझाया था किसी भी इंडेक्स को निकालने के लिए क्या जरूरी है तो उस जो बास्केट है उस बास्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट इंडस्ट्रीज जिनका फोर्टी वेटेज है अकेले फोर्टी वेटेज जो है वो आर्ट इंडस्ट्रीज का है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्जाम्स वगैरह में पूछता है कि इन आर्ट इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं बास्केट में अलग कुछ जो इंडस्ट्रीज की जो बास्केट है उसमें फोर्टी पॉइंट टू परसेंट वेटेज आठ कोर इंडस्ट्रीज का है और नो डाउट ये आठ कोर इंडस्ट्रीज का अपना भी वेटेज अलग अलग होगा तो इन आठ कोर इंडस्ट्रीज में से भी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद स्टील देन कोल क्रूड ऑयल देन नेचुरल गैस ये आपको आठों के आठों याद रखनी है इसके बाद नाम आता है आपका सीमेंट फर्टिलाइजर सीधा सीधा सवाल आप तो एक पूछ देगा कि आठ कोर इंडस्ट्रीज में से कौन सी कौन इंडस्ट्री है कौन सी नहीं है कोई सी भी दूसरी इंडस्ट्री का नाम दे देगा ठीक है तो ऐसे और ये आ, तो ये आपके आठ कोर इंडस्ट्रीज है इनका जो वेटेज है वो कितना है फोर्टी पॉइंट 2.7% परसेंट अकेले वेटेज इसका है बाकी तो फिर कई सारी सैकड़ों इंडस्ट्रीज है उसका बहुत छोटा छोटा एक परसेंट डेढ़ परसेंट ऐसे वेटेज है लेकिन इन सब का इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा है और इन सबका कंबाइंड वेटेज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फोर्टी पॉइंट है तो ये आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया तो यहां पर एक चीज हमारी क्लियर होगी कि हम इंडेक्सेस के बेसिस पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसी में यहां पर इंडस्ट्रीज का आउटपुट वाला इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हमने समझ लिया अब बात करते हैं दूसरे मेथड्स कौन कौन से हैं यहां पर आओ फर्स्ट में आओ हम यहां पर क्या देख रहे थे कैलकुलेशन इंडेक्स बैक्स मेथड ये हमारा कंप्लीट हो गया अब दूसरे मेथड्स कौन कौन से हैं दूसरे मेथड्स में एक मेथड आता है जीडीपी डिफ्लेटर तो डब्ल्यू पी आई सीपीआई है तो सही तो फिर दूसरे मेथड्स की जरूरत क्या है दूसरे मेथड्स की जरूरत क्यों नहीं है अब डब्लूपीआई की सबसे बड़ी कमी क्या है डब्लूपीआई केवल 697 नाइनटी गुड्स को कवर कर रहा है सीपीआई केवल 448 फोर्टी रूरल और 460 सिक्सटी अर्बन गुड्स को कवर कर रहा है क्या केवल 460 ही गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके बेसिस पे महंगाई कैलकुलेट होनी चाहिए क्या केवल सिक्स ही गुड्स हैं जिनके बेसिस पे है क्या डब्लू पी आई क्या लिमिटेड नहीं है यदि आप बास्केट में सभी गुड्स को गरुण। 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 तो तो नहीं लोगे आप बास्केट में सभी गुड्स सर्विसेज को नहीं लोगे तो नो डाउट तो डब्लू पी आई आप कैलकुलेट कर रहे हो जो सी पी आई आप कैलकुलेट कर रहे हो वो एक्चुअल तो नहीं होगा क्योंकि आपने कई सारी गुड्स को छोड़ दिया आपने बास्केट में कई सारी सर्विसेज को नहीं लिया यदि यानी आप खुद देखो ना क्या हमारे यहाँ पर केवल सिक्स नाइन्टी सेवन गुड्स ही हैं हज़ारों गुड्स हैं उन हज़ारों गुड्स में से हमने सिक्स नाइन्टी सेवन लिया आपने कुछ इम्पोर्टेंट गुड्स कंसिडर नहीं करी तो यानी आपका जो एक्चुअल जो महंगाई है एक्चुअल जो डब्लू होना चाहिए रियलिस्टिक जो डब्लू है ये जो आपने कैलकुलेट करा है वो थोड़ा अलग हो जाएगा इस जनरल दुनिया में अलग बात चल रही है डब्लू पी डाटा अपना अलग शो कर रहा है इसी तरीके से सी में अलग चीज़ हो जाएगी तो इस चीज़ को डील करने के लिए एक कांसेप्ट लाया गया जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर में होता क्या है जीडीपी डिफ्लेटर में हम बास्केट नहीं लेते अब इंडेक्स तो है नहीं है यदि इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स की तरह यहां पर बास्केट नहीं आएगी उसका वेटेज नहीं होगा यहां हम पूरी की पूरी जीडीपी लेते हैं यदि जीडीपी डिफ्लेटर का एक फार्मूला है नोमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू हंड्रेड तो यहां पर हम कैलकुलेशन जी डी पी के बेसिस पे कर रहे हैं हमने ना तो बास्केट ली यदि हमने बास्केट नहीं ली तो हमारी हमने पूरी की पूरी जीडीपी ले ली और यदि हमने पूरी की पूरी जीडीपी को कंसिडर कर लिया तो हमारी सारी गुड्स एंड सर्विसेज आ गई तो जो हम जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे वो वाकई में एक्चुअल होगा वो किसी भी तरीके का उसमें फ्लक्चुएशन या रियल जो लाइफ में जो रियल जो चीज है उससे वेरिएशन uh, नहीं होगा बात करें नॉमिनल जी डी पी रियल जी यदि आप जी का कैलकुलेशन जी एट करंट प्राइजेस पे करते हो करंट प्राइजेस मतलब आज फॉर एग्जांपल 2023 का आपको जी डिफ्लेटर निकालना है 2022 का जैसे लास्ट ईयर का हम निकालें कितना महंगाई था पूरे साल का जी पूरे साल भर का कैलकुलेट कर लिया यदि आपने पूरे साल भर का कैलकुलेट करा जीडीपी का मीनिंग क्या होता है यहां पर एक चीज आप समझो जीडीपी का मीनिंग है टोटल वैल्यू ऑफ वैल्यू मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस टोटल मॉनेटरी वैल्यू अब ये मॉनेटरी वैल्यू आप यदि उस करंट प्राइस करंट फाइनेंशियल ईयर की ले रहे हो करंट फाइनेंशियल ईयर की प्राइजेस ले रहे हो तो उसको बोलेंगे नॉमिनल जी और यदि आप फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी ट्वेंटी टू का जीडीपी डिफ्लेटर निकाल रहे हैं और उसके लिए हमने बेस ईयर माना है टू थाउजेंड ट्वेल्व यदि आप दो हजार बाइसिस की जो आप ये जो गुड्स एंड सर्विसेस जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू कंसिडर कर रहे हो यदि आप वो दो हजार बाइसिस की प्राइजेस 2022 की मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर कर रहे हो तो ये जो जीडीपी निकल कर आएगी ये नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी लेकिन यदि आप आज की बात नहीं कर रहे आप बेस ईयर के पे 2012 में, 2012 में, में इन सर्विसेज का इन गुड्स का क्या मॉनेटरी वैल्यू रहा होगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आपकी रियल जी हो जाएगी तो रियल जी बेस ईयर के प्राइजेस के हिसाब से चलती है कि नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से चलती है तो यहाँ पर यही तो चीज है करंट ईयर के प्राइसेस अपॉन करंट ईयर के प्राइसेस अपॉन बेस ईयर के प्राइसेस इनटू हंड्रेड फॉर एग्जांपल यदि जीडीपी डिफ्लेटर आपका 250 250 आया परसेंटेज में आएगा ना हंड्रेड है तो यदि 250% आया तो इसका मतलब यह हो गया कि आपकी इन्फ्लेशन कितनी हो गई 150% प्राइसेस बढ़ गए ये 2012 को हमने कंसिडर करा और 2022 का निकाल रहे हैं तो 2012 के कंपैरिजन में 2022 में 150 परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ गई ऐसे जीडीपी डिफ्लेटर अब यहां पर न तो बास्केट है बास्केट नहीं है तो हमारा कोई आइटम नहीं छूटे सारे हमने गुड्स एंड सर्विसेज कवर कर लिया भाई यहां पर देखो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी सारी गुड्स आ गई सारी सर्विसेज आ गई सारी सर्विसेज आ गई तो ना तो बास्केट किसी को छूटा ये नहीं लिया वो नहीं लिया इसका वेटेज ज़्यादा है इसका वेटेज कम है सब झंझट खत्म इसका वेटेज ज़्यादा उसका वेटेज कम जो आरोप लगते थे डब्ल्यू पी आई सी पी आई पर कि इसको नहीं कंसिडर करते इसको भी लेना चाहिए उसको जबरदस्ती ले रखा है तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई लेकिन जी डी पी डिफ्लेटर के साथ दिक्कत यह है कि जी डी पी डिफ्लेटर इज एक्ट Only concept. इसको प्रैक्टिकली अभी तक कैलकुलेट नहीं करा जाता है GDP को अभी तक concept तो है किताबों में है प्रैक्टिकली आपने अभी तक डब्लू पी आई का सीपीआई का मंथली डाटा आता हुआ देखा होगा जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट नहीं करते हुए देखा नहीं होगा पर आने वाले टाइम में हमको स्विच करना चाहिए डब्ल्यू पी आई सीपीआई से जी डी पी डिफलेटर की तरफ कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेता है डब्ल्यू पी आई सी पी आई के बारे में तो आप एक अच्छा आंसर कर सकते हो कि हम डब्लू पी आई सी पी आई से आगे बढ़े जीडीपी डिफ्लेटर को कंसीडर करें ताकि हमें एक्चुअल बात पता चले पूरी ओवरऑल यदि हम जीडीपी कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने में क्या है केवल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेटर से कैलकुलेशन ही तो करनी है तो बस तो जीडीपी डिफ्लेटर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर था ये आपके इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के मेथड थे लेकिन यहाँ पर एक और मेथड इसके अलावा एक्स्ट्रा बात करें ये इन्फ्लेशन खत्म हो गया लेकिन एक और चीज़ है जो काफी न्यूज में रहती है वो है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स अब इसका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है परचेजिंग मैनेजर मैं इसको इसके साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई को लेकर कैंडिडेट्स को एग्जाम में बैठने वाले लोगों को इन कंफ्यूजन होता है कि इट इज यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कंसिडर करा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है इट इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमी में कितना चेंज हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या वेरिएशन आ रहा है उस चीज को मेजर करता है आपका परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स न कि इन्फ्लेशन को मेजर करता है अक्सर कंफ्यूजन होता है कि पीएमआई भी डब्लू सीपीआई इंडेक्स देख के लोग डाउट में पड़ जाते हैं कि इंडेक्स है डब्ल्यू भी एक इंडेक्स है सीपीआई भी इंडेक्स है इंडेक्स है इंडेक्स कई सारे होते हैं लेकिन ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं करता इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैलकुलेट करता है बात हैं परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की तो ये मैन्युफैक्चरिंग, यह और सर्विस सर्विस सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए अलग अलग निकाला जाता है डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करा जाता है इट इज अ सर्वे बेस्ड मेजरमेंट जिसमें आपके इन्वेंट्री कितना है स्टॉक कितना है एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट क्या है सप्लायर्स uh, डिलीवरी क्या है और भी चीज़ें चार पांच तरीके के जो सर्वेस का यूज़ करके जो सर्वे होता है जैसे इन्वेंट्री सर्वे ऑर्डर्स ऑर्डर्स कितने हैं ऑर्डर सर्वे एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट सर्वे इन सब का यूज़ करते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इकोनॉमी को मेजर करता है कि यदि आपका इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है नो डाउट डब्ल्यू और सी की तरह इस इंडेक्स की भी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है ज़ीरो से हंड्रेड के बीच में अब यदि हम कैसे समझें जीरो से हंड्रेड के बीच में वैल्यू है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की तो हमें कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ बढ़ रही है कि कम हो रही है या उसमें कोई चेंजेस नहीं है वो डिसाइड होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की वैल्यू 50 से कम है तीन पॉसिबिलिटी बनती है पचास है या पचास से ज्यादा है तो पचास से कम होने का मतलब है उस में इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन को मिल रहा होगा यानी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई होगी और फिफ्टी का मतलब है नो चेंजेस यानी इकोनॉमी पहले जितनी ही है और 50 से ज्यादा है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है उसको नाम देंगे इकोनॉमिक expansion तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं करता इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करता है यदि उसकी वैल्यू 50 से कम है तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रेशन इक्वल 50 है इक्वल टू 50 है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नो चेंजेस इकोनॉमी में नो no चेंजेस और इकोनॉमिक एक्सपेंशन की सिचुएशन बनती है यदि वो 50 से ज़्यादा है तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा और ये करंट अफेयर का भी जनरली एक पार्ट रहता है क्योंकि हर महीने आपका परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स एक बार मैनुफैक्चरिंग के लिए एक बार सर्विसेज के लिए आता रहता है ये जो डाटा है वो गवर्नमेंट नहीं निकालती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीस पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स निकालती है ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है गवर्नमेंट डब्ल्यू निकालती है सी निकालती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालती है जीडीपी डिफ्लेटर अभी लागू नहीं हो रहा है उस पर कैलकुलेशंस अभी देखने को नहीं मिलता है इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है और इंडेक्स परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर थ्रू निकलता है जो कि सर्वे बेस मेजरमेंट है तो ये हमारा इन्फ्लेशन पर हमने टोटल आज समझा इन्फ्लेशन क्या होती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इंडेक्स बेस मेथड क्या है दूसरे मेथड्स क्या हैं कौन से अभी के टाइम में चल रहे हैं कौन सा नियर फ्यूचर में इससे अच्छे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं क्या परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या इन्फ्लेशन uh, को कैलकुलेट करता है तो हमने ये भी समझा कि पी आ, पी एम आई और आई आई पी का रिलेशन इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन से नहीं है वो अलग इंडेक्सेस हैं तो ये हमारा आज का लेक्चर था थैंक यू